क्या आप भी हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो? उसके लिए कोई भी डिग्री या कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक या दो बार काम करके छोड़ देना है, उसके बाद अपने आप तेजी से कमाई होगी। कोरोना वायरस की मेहरबानी से कई लोग लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और अगर आप मोटी कमाई करना चाहते हो तो 3 सिंपल तरीकों से पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इसी के साथ में आप सभी को पेमेंट प्रूफ भी बताऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि इससे काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। दुनिया भर में कई सारी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजिंग पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, और एडवर्टाइजिंग कंपनियां एडवर्टाइज को शानदार बनाने के लिए स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग में किया जाता है, लेकिन उसके लिए उस स्टॉक यानी कि किसी भी फोटो, वीडियो या किसी भी तरह के स्टॉक मटेरियल को खरीदना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी पैसा दिया जाता है। ऐसे में अगर आप फोटो खींचकर उसे बेचते हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर आप वाकई में अच्छी फोटो खींच सकते हो तो उसकी कीमत $100 से ऊपर तक जा सकती है। यकीन नहीं होता तो शटर स्टॉक पर देख लीजिए, $10 से लेकर $100 यहाँ तक कि $1000 तक की फोटो मौजूद है। और कई सारी कंपनियां फोटोज को खरीद भी लेती है, क्योंकि उनके पास में बजट बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए उनके लिए ये कीमत बहुत ही छोटी होती है। तो उन्हें क्वालिटी से मतलब है, ना कि कीमत से। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो यहाँ पर शटर स्टॉक का डैशबोर्ड है। यहाँ पर जो ऑल टाइम अर्निंग है वो है $42,419, यानी कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 30,92,451 रुपए है। यानी कि भाई साहब ने एक ही प्लेटफॉर्म से 30 लाख रुपए तो कमा ही लिए है। चलिए, तो तेजी से कमाने के लिए 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना, जिसमें से पहला है प्लान, दूसरा है क्रिएट, तीसरा है अपलोड। अगर आपके पास में कोई कैमरा है तो उससे काम करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से काम कर सकते हो, क्योंकि स्मार्टफोन के कैमरे काफ़ी अच्छे आते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि फ़ोटो कौन सी क्लिक करनी है, जो सबसे ज़्यादा सेल हो सके, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसी फोटो को क्लिक करें। जैसे कि ये वाली है जो एडवर्टाइजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और कुछ ऐसी जो एडवर्टाइजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो ऐसी आप कुछ फ़ोटोज़ जो है वो खींच सकते हो। आपको ये सोचना होगा कि कौन सी फ़ोटो की सबसे ज़्यादा डिमांड है और कौन सी फ़ोटो मैं ले सकता हूँ। उसी फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को चाहिए, ताकि आपकी सेलिंग सबसे ज़्यादा हो सके। फ़ोटो को खींचते वक्त 4 बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। पहला है लाइटिंग, क्लियरिटी, क्वालिटी और एंगल, क्योंकि कंपनी इसी का पैसा आपको देती है। फोटो सेल करने की कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी मत जाए जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर फोटो सेल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहले नंबर पर है एडोब स्टॉक, जो कि अपने कंट्रीब्यूटर यानी कि फोटो या फिर वीडियो खींचने वाले को 20 से 60% तक का कमीशन देता है, और इसी के साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल करने की इजाजत भी देता है। और इसके बाद है LME, जो कि अपने कंट्रीब्यूटर को 50% तक का कमीशन देता है। इसके बाद शटर स्टॉक है। शटर स्टॉक बहुत ही पुरानी वेबसाइट है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शटर स्टॉक से ही फोटो बेचे जाते हैं। शटर स्टॉक अपने कंट्रीब्यूटर को 20 से 30% तक का कमीशन देता है। इसके बाद है आई स्टॉक, जो कि 20% तक का कमीशन देता है। इसके बाद आता है इमेज बाजार। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इमेज बाजार भारत के सबसे फेमस मोटिवेशन स्पीकर संदीप महेश्वरी की खुद
की वेबसाइट है। तो इन सारी वेबसाइट पर आप अपनी फोटो सेल कर सकते हो। तो आपने जितनी भी फोटो कैप्चर की है वो सारी फोटो इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर दे। और इसके बाद है तीसरा स्टेप जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है क्वालिटी। अगर आपने फोटो सेलिंग से अच्छी खासी कमाई कर दी है और आप फोटोग्राफी में और आगे जाना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फोटो खींचे और क्वालिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आई स्टॉक और शटर स्टॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा 4K क्वालिटी की वीडियोस और इमेज खरीदे जाते हैं जिनकी कीमत भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप क्वालिटी जितनी अच्छी रखोगे उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा दे और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।